हाय एवरीवन, तो मेरी तरह आपने भी पक्का नोटिस किया होगा कि कोरियंस के लिप नेचुरली इतने पिंक और ग्लॉसी कैसे होते हैं। मेरी तरह आपको भी पक्का लगता होगा कि उनके लिप्स ही नेचुरली ऐसे हैं, बट इन रियलिटी ऐसा सच नहीं है। तो वो लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है ग्रेडियंट लिप, इसे ऑम्ब्रे लिप टेक्निक भी बोला जाता है, और ये टेक्निक हार्डली 2-3 स्टेप्स में हो जाती है। तो अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है और अपने लिप्स ऐसे नेचुरली पिंक और ग्रेडिएंट दिखाने हैं तो ये टेक्निक जरूर सीखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फीडबैक के लिए कमेंट्स भी डाल देना, मुझे बहुत हैप्पी लगेगा। बाय। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक लिप बाम, आप कोई भी लिप बाम जो आपके पास है वो यूज कर सकते हैं, और इसे अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई करना है क्योंकि इस टेक्निक के लिए आपके लिप्स हाईली हाईली मॉइस्चराइज होने चाहिए। मैंने अच्छे से लिप बाम अप्लाई कर लिया है अपने लिप्स पे। ये क्लियर लिप बाम है, कोई टिंटेड लिप बाम नहीं है। आप कोई भी लिप बाम अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, वैसलिन भी अप्लाई कर सकते हो अपने लिप्स पर। नाउ आई एम यूजिंग अ पिंक लिपस्टिक। आई एम यूजिंग अ कलर पॉप लिपस्टिक इन द शेड कामी। ये पिंक सा कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आप रेड ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, आपके पास कोई भी कलर हो आप ले सकते हैं। अब मैं इस लिपस्टिक को अपने इनसाइड ऑफ लिप्स अप्लाई करूंगी। हमें पूरे लिप्स पे इस लिपस्टिक को अप्लाई नहीं करना, सिर्फ इनसाइड लिप्स अप्लाई करना है, और कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेके इस लिपस्टिक को अंदर की तरफ ही ब्लेंड करना है। मेरे लिप्स काफी छोटे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि लिपस्टिक पूरे उस पर अप्लाई हो गए, बट ऐसा नहीं है। के बाद आपको कोई भी क्लियर लिप ग्लॉस लेना है और पूरे लिप्स पे अप्लाई कर देना है। थोड़े से और शाइन के लिए आई एम यूजिंग अ हाइलाइटर, और हाइलाइटर को अपने क्यूपिड बो पे ब्लेंड कर देना है, और ये हमारे ग्रेडियंट लिप्स रेडी।